ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज प्रभु श्रीकृष्ण गुरुंकर षडपुत्र एवं देवकी मांकर षडपुत्र को धरी जमपुर आसी पहुँची जाइछंती अवंती नगर रे। जेतले अवंती नगर रे पहुँची जाइछंती गुरुदेव आगरे आज शिष्य माने कहुछंती चाटर शाळीर पिला माने कहुछंती हे गुरुदेव कृष्ण आसीछंती आपणकर षडपुत्र को धरी। सेतेबेले विश्वास करि पारु नथिले सांदीपनी जे सतरे कोन मल्लापुत्र केबे जीवित होई पारे। तेणु आज मल्लापुत्र जेतेबेले जीवित होई आसीछि ए कथा को सहजरे विश्वास करि पारु नाहंती सांदीपनी। तेणु निजे धाई धाई आसीछंती कृष्ण बलराम को पाछटी नबा पई। आज श्रीकृष्ण को निकटरे पहुँची कृष्ण को पाछटी नै जाइछंती से चाटशाळी भितर को आउ चाटशाळी भितरे गुरु एवं गुरुमा दुई जन करपत्र जोड़ी छिड़ा होती आहुंती तबे सामान्य नुह जे मृत शिशु मानू जीवित करिपारे से सामान्य केमिते हो पारे। तेणु हे प्रभु आपण हूँ स्वयं नारायण आपण को आज दर्शन करिए जीवनटा धन्य हो जाइछि। खाली मो नुहे ए सारा अवंती नगर जमीती आज धन्य हो जाइछि। कोई जन्मर के पुण्य करते आज आपण दर्शन लाभ करेणु आज स्तुति करुंपनी ऋषि कौन कौन सब स्तुति करभु को नमामि श्रीराम कृष्ण गुणवार निधि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारे होए सिधि गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन अपार महिमा तुम्बे पुरुष उत्तम कामना दानी जे तुम्बे अटम हतमा कामना दानी जे तुम्बे अटम हतमा कामना दानी जे तुम्बे अटम हतमा नयने देखि नथिलु न सुनी श्रवणे केउ भागे देखिलि मु तुमको नयने भाग्य देखिलि मु तुमको नयने केउ भाग्य देखिलि मु तुमको नयने पापाधि पाप मोहर ए शरीर क्षय जेणु महाप्रभु तुम्बे होइल सदय जेणु महाप्रभु तुम्भे होइल सदय जेणु महाप्रभु तुम्भे होइल सदय। आज श्रीराम कृष्ण छिड़ा होती हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछंती सांदीपनी हे प्रभु आज जन्म जन्मर पातक बरक्ष हो जाइछि आपण होउछंती कामना दानी जी जो प्रकार कामना करे तार कामना को आपण अविलंबे पूरण करती। तेणु आपण ए दुखीर दुख को बुझी पारिले ए दुखीर कष्ट को अनुभव करी पारिले आउ सेइति पाइ इत्ते दूरर धाई आसीथिले मो दुख को निवारण करिबा पाइ मो दुख कष्ट को लाघव करिबा पाइ। तेणु आपण होउछंती कामना दानी हे प्रभु मु आपण को चिन्ह पारि नथिली मु आपण को चिन्ह पारि नथिली जे आपण स्वयं नारायण जन्म नेइछंती धरा पृष्ठरी आज अनुभव करुछि जे सतरे मु केते बड़ भाग्यवान मु आज सतरे केते बड़ भाग्यवान जहाँकि आज जानुछि भक्तर कष्ट दुख लाघव करिबा पाई प्रभु किछि भी करि पारंती स्वयं निजे कष्ट सही दुख सही भक्तर मनभीष्ट को पूर्ण करती। आज मु जानुछि प्रभु आज हाथ जोड़ी कांदुछंती सांदीपनी ए अश्रु भावर अश्रु
आज दुई जन पति पत्नी गुरु आ गुरुमा दुई जन हाथ जोड़ी देछंती जहाँ कि केबे भावुछंती जहाँ केबे संभव नथिला असंभव थिला से असंभव को संभव करिबा केवल प्रभु ही करि पारंती ता छड़ा असंभव को संभव आउ भी केही भी करि पारिबेनी तेणु जानी सारी छंती आज सांदीपनी जे ए होछंती स्वयं नारायण आउ सेहिति पाई भावर अश्रु बही जाउछि पति पत्नी कर ये बोली सांदीपनी कले बहु स्तुति संतोष हेले रेवती वल्लभ श्रीपति संतोष हेले रेवती वल्लभ श्रीपति संतोष हेले रेवती वल्लभ श्रीपति गोविंद बोले गुरु अटम्भ पिता तुम्भ विद्या पर सदे आम्भे जग जीता न कल्पनाम्भकु न कर तु किछि आम्भे वसुदेव सुत अटु नन्द बसी आम्भे वसुदेव सुत अटु नन्द बसी आम्भे वसुदेव सुत अटु नन्द बसी। आज प्रभु श्रीकृष्ण गुरुदेव पाखरे मथा नुआई कहुछंती हे गुरुदेव आपण आम को जी भावुंट भाविबा उचित नुहे कारण आपण होती आमर गुरु आए हूँ गुरु से हूँ पिता तेणु आम पिता जिते बड़े छोट होतु से आम पिता आमको जहाँ सब शिक्षा देते जहाँ सब संस्कार देते से संस्कार आ शिक्षा बल आम आज एति की बाट आसी जो ज्ञान टिकक आम पाखे नाला से ज्ञान टिकक आपंट तेणु आपण विद्या आपण बुद्धि आपणकर ज्ञान सबकि आम आपण शिक्षा दान कर शिक्षा ग्रहण करेणु हे गुरुदेव आपण आम को आउ कि भावतुनि आपण को आम जमी पिता भली भावु आपण सेमती आम को पुत्र बोली भावंतु तेणु आउ कौन शंका करतुनि पिता हे गुरुदेव आपण हूँ आम पिता सदृश तेणु आपण आम को हाथ जोड़ी आपण आम को हाथ जोड़ी आम को पापरे भागी करतुनि एथर श्रीकृष्ण कहते हे गुरुदेव आपणकर गुरु दक्षिणा तो देदेलु जदि आउ कि आपणकर मागार जदि कि अच्छी तेल मागि नि जहाँ मागे मुझे अविलम्ब पूरण करी तेणु गुरुदेव कहते हे पुत्र माने मुझे कौन बा मागी जहाँ मागिथिली जहाँ मागिथिली असंभव घटना को संभव करी तेणु मो पाखरे तो कुबेर भली संपत्ति अच्छी तेणु आउ किछि मोर आवश्यक नाई केवल एतिकी मागुची जेते बेले डाकुथिबी सेते बेले मते टिके दर्शन दउथिबे शेष समय पर्यंत जेते बेले डाकुथिबी सेते बेले आपण मो पुत्र रूपरे उभा होउथिबे आउ मते दर्शन दउथिबे केवल एतिकी मागुची कोन कहउछंती आज गुरुदेव भो गुरु आंब घर को जाऊ बाहुड़ी कार्य काले सुमरिले पाइबु तुलोड़ी कार्य काले सुमरिले पाइबु तुलोड़ी कार्य काले सुमरिले पाइबु तुलोड़ी ब्राह्मणे सुनी आनंदे कल्याण बांचिले श्री राम कृष्ण कसीरे अर्घ्य बंदाइले श्री राम कृष्ण कसीरे अर्घ्य बंदाइले श्री राम कृष्ण कसीरे अर्घ्य बंदाइले। एतर प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती हे गुरुदेव एथर आमको विदाय दिंतु तेणु आज गुरुदेव एवं चाटर समस्त पिला माने कृष्णकर विदाय कथा को शुणी आखिरु धाराधार लुह बही जाऊँ सतरे आज कृष्ण बलराम चलीजे जहाँ सहित आम खेलु जहाँ सहित आम पाठ पढ़ु आम को समय जना पड़ू ना आज से गृह को चलीजे
ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଚାଟର ପିଲାମାନେ ଚାଟଶାଳୀର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ଦୁଇଜଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାତ୍ର ଆଣି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁନାଶକୁ ବନ୍ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥର ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭାବର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ଆଜି ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମିଳନ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଆଜି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଏ ଭାବର ଅଶ୍ରୁକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହା, ସତରେ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଏ ପ୍ରେମର ଲୁହ, ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଯା ଆଖିରୁ ଥରେ ବହିଯାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକ ତାର ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହିଯାଉଛି ଏ ଭାବର ଅଶ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେବତାମାନେ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ବାଟକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ବାଟ ଯିବେ କେମିତି, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। ତାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ପଠାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଆଜି ମଥୁରା ନଗରକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ରଥ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାହୁଡ଼ି ବିଜେ ଜାଣି ସୁର ସାଇଁ ମାତଳିକି ପଠାଇଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦେଇ, ମାତଳିକି ପଠାଇଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦେଇ, ମାତଳିକି ପଠାଇଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦେଇ। ବାସବ ଆଜ୍ଞାରେ ଗଲେ ସେ ମାତଳି ବେଗେ ରଥକୁ ଟେକିଲେ ନେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଗେ, ରଥକୁ ଟେକିଲେ ନେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଗେ, ରଥକୁ ଟେକିଲେ ନେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଗେ। କରପତ୍ର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି କହେ ଦେବ ଦୂତ ଏ ରଥରେ ବିଜେ କର ଆସ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ତୁମ୍ଭ ଛାମୁକୁ ବାସବ ଦେବ ଦେଲେ ପେଶି ଶୁଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଆସି, ଶୁଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଆସି, ଶୁଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଆସି। ଦେବକୀର ଷଡ଼ ପୁତ୍ର ସୁନାଶା ଆବର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେ ରଥର ଉପର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେ ରଥର ଉପର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେ ରଥର ଉପର। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହିଲାକ ମାତଳି ସେ ଜାନ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ଉଡ଼ିଲେ ରାମ ଭଗବାନ, ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ଉଡ଼ିଲେ ରାମ ଭଗବାନ, ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ଉଡ଼ିଲେ ରାମ ଭଗବାନ। ଏଥର ଦେବଦୂତ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ। ଆଉ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ରଥକୁ ପହଞ୍ଚାଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଦୂତମାନେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସନ୍ତୁ, ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି ଆପଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗମନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ସୁନାଶ ତିନି ଜଣ ସେହି ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ରଥରେ ବସି ଏଥର ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଥର ବାହୁଡ଼ାର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ବସି ରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସୁନାଶ ଏଥର ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରିବେ ମଥୁରାପୁରକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ,
आम अवंती नगर में विराजमान करी आमर विश्वास ही गला जे अवंती नगर में जिते नर नारी अच्छा अनेक जन्मर तपस्या से मानकर अच्छी जो कि आज प्रभु विराजमान करी अवंती नगर में खाली से नुहे सांदीपनी ऋषि तपस्या सांदीपनी ऋषि त्याग सांदीपनी ऋषि भाव आउ भक्ति द्वारा ही आज प्रभु ये अवंती नगर में विराजमान करी तेणु आज समस्ते सांदीपनी ऋषि को प्रार्थना करूँ हे सांदीपनी आपण ये ग्राम आज धन्य हो जा नगर आज धन्य हो जा अवंती नगर आज धन्य हो जा तेणु आपण ही आम पाई भगवान आपण ही आम पाई श्रेष्ठ तेणु समस्त आज रामकृष्ण को विदाय दौंती समय परीक्षित महाराजा सुकमुनि कहते एथर प्रभु निज मथुरापुर को बाहुड़ी जावाई समय आसी जा तेणु मथुरापुर को बाहुड़े ये मत गोटे कथा संदेह लगुच प्रभु समस्त भक्त मान दुख को निवारण करने दुख को मोचन करने निजे पादरे चली चली आसी आज यूठ जना पड़ी जितेबाला इंद्रदेव पठे नंदीघोष रथ प्रभु से विराजमान कर मथुरापुर को चली जी प्रभु को विदाय दे सर अवंती नगर अवस्था कौन हो सांदीपनी ऋषि अवस्था कौन हो सुंदर कथा तापर जो जो कथा मो मन को आंदोलित करुची जे मल्ला पुओ पुणी थरे जीवित पाइबा एटा कान को टिके अशोभन शुभुले एटा मु बुझी पारुनी सतरे एटा कोन संभव हो पारिबो जे जने मल्ला पुत्र केबे जीवित हो पारिलानी तेणु मल्ला पुत्र माने आज जीवित हो आसुछंती ए कथा आमको आश्चर्य लागुची आज परीक्षित पचारुछंती हे सुकमुनि जे प्रभु को पाठ पढ़ई पारंती जे प्रभु को विद्या अर्जन करवाई निजे गुरु रूप से अवतार होती तो निर्वाण मुक्ति पाई जाती कि तपस्या करी आज सांदीपनी जहाँ फल आज प्रभु सानिध्य लाभ करा छड़ा आज सांदीपनी को निज पिता रूप से ग्रहण करे आपण होमर गुरु आपण होमर पिता माता कहीं आमर मन जाणी आपण खाइबा को देइछंती आउ निजे आमको खुआई पियाई ज्ञान अर्जन करेबार बाट माध्यम देखेइछंती तेणु आज केते बड़ भाग्यवान से सांदीपनी कर केते बड़ भाग्यवान से सांदीपनी कर पत्नी कर आज मुक्ति पाई जाइछंती प्रभु को प्रभुंकर गुरु हे से सांदीपनी ऋषि तेणु आज परीक्षित को सुकमुनि कहउछंती हे परीक्षित हरि कथा शुणापी हरिंर कथा को श्रवण करने आज तुमर जो मन तुमर जो भाव तुमर जो भक्ति से मु निश्चिंत आनंदित आज तुम्हें जो कथार सन्देह करुच से सन्देह मुचन करुची ये सामान्य नथिले सांदीपनी ऋषि केवे सामान्य नथिले आउ जड़े सामान्य लोक को केवे प्रभु दर्शन दे न था जहाँ जन्म जन्मर तपस्या थाए जो माने पूर्व जन्मर अनेक तपस्या इते कष्ट इते घोर तपस्या थाए से तपस्या बल प्रभु ही दर्शन दे था तेणु ये सामान्य नथिले सांदीपनी जे कि से दिने वज्रकुंभ इंद्र थिले जो समय कथा जो समय से इंद्र थिले सेते बले ब्रह्मांकर सहे मुंड थिला सहे मुंड ब्रह्मा सेते बले देवता सभारे रही थिले तेणु आज सुकमुनि कहउछंती जेते बले सहे मुंड वाला ब्रह्मा थिले सेते बले ब्रह्मांकर 84 वर्ष भोग चली थाए सेते बले तुला मास कृष्ण पक्ष षष्ठी चंद्रवार थिला तापर कौन कहउछंती तुला मास कृष्ण पक्ष षष्ठी चंद्रवार कृतिका नामे नक्षत्र अटे से दिन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन से दिन धर्म देवता धर्म लोके थिले आसने बसी अछंती तीनी वृक्ष तले
आसने बसी अछंती तीनि वृक्ष तले आसने बसी अछंती तीनि वृक्ष तले गोखीर बदन कांति अज्रामर काय कोटि चंद्रमा की तही होई उदय कोटि चंद्रमा की तही होई उदय कोटि चंद्रमा की तही होई उदय तुला मास कृष्ण पक्ष षष्ठी चंद्रवार रे कृतिका नाम नक्षत्र दिन से दिन धर्म धर्मराजा बसी थिले तीनोटी वृक्ष तले तीनोटी वृक्ष मूले बसी छंती अति शोभनीय से दृश्य तीनि वृक्ष तले धर्मराज बसी छंती आउ धर्मराजांकर चेहरा जेमिति कोटिचंद्र सदृश्य तांकर शरीर इति सुंदर देखा जाउछि गोखीर परि कांति जेमिति कोटिचंद्रमा उदय होती तेणु एमिति भावरे से तीनोटी वृक्ष मूले आज बसी छंती धर्मराज कनरे नाग कुंडल दिशे दिव्य ज्योति आदित्य मंडले जेने प्रभा शोभा कांति गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन सोन नारिकेल प्राय लुले मुंड गोटी तांको दाढ़ी थोड़ जाए भूमि परे लोटी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन स्फटिक रुद्राक्ष पुणी चांदुआ तुलसी माला गले विराजयी चत फूल कोसी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन आज धर्मराज बसी छंती कर्णरे नाग कुंडल शोभा पाउछि आदित्य मंडल रे जेमिति चंद्र शोभा पाए सेमिति सदृश्य तांकर आज चेहरा स्फटिक रुद्राक्ष ग्रहण करिछंति आज पद्मासन रे बसिछंति सेठी धर्म योगासन रे योग ध्यान रे बसिछंति अशेष जाजल्यमान रूप तेजवंत चेहरा काखरे जाकिछंति वेद आउ हाथ में कमंडलु एमिति स्वभावन देशा दिशा जाऊँच धर्म आउरी कौन रूप तांकर सुंदर भाव वर्णना करिछंति अच्युतानंद दास परवर्ती अध्याय रे आमे सुंदर कथा जानिबा जहाँकि सांदीपनी ऋषि पूर्व जन्मर कथा शुणापी मन करिछंति परीक्षित महाराज तेणु ए हरिवंश को श्रवण करूथांतु निश्चित भाव जन्म जन्मर पातक क्षय करंतु तेणु आज तो समय हो जाए आज बाणी विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे हरि नाम सुमरिले पाप क्षय जाई रे हरि नाम सुमरिले पाप क्षय जाई रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे हरि नाम जप कले पाप जाए क्षय रे हरि नाम जप कले पाप जाए क्षय